ये तो चाहिए था, ये अंगार वाला फ्लेवर है ना। वाओ। और तंदूरी ना मस्त ग्रेवी अगर हो ना तो मजा आ जाता है। तो गाइस ये रही अपनी चिकन तंदूरी मस्त ग्रेवी के साथ, ये रही सोना की चटनी और कांदा, लच्छा कांदा। लच्छा कांदा ओके, मस्त सॉफ्ट हो गया है जान एकदम, बहुत मस्त हो गया। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जिंगा फैमिली ब्लॉग पर। अभी हम विरार में हैं और विरार से घर जाना है क्योंकि आज बहुत मस्त रेसिपी बनाने वाली है सोना। और हम ना यहाँ पे विरार में एक रील शूट के लिए आए थे, वो काम हमने खत्म किया। अब हम शाम के वक्त दोस्तों विरार से जो है ट्रेन पकड़ने वाले हैं। यहाँ से खाली मिलेगी ना, खाली खाली मिलेगी, खाली मिलेगी। चलो एंड घर पे ना कुछ मजेदार चीज ये मेरे से करवाने वाला है। हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वो बहुत मस्त चीज बनने वाली है। हाँ, वरना नहीं बनाते, खुद ही खा के सो जाते बट वो बहुत मस्त चीज है। यू शुड ऑल्सो ट्राई, टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तंदूरी चिकन हम घर में बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले वीडियो को एंड तक देखते रहो। ट्रेन आ रही है, चल पकड़ते यही वाली पकड़नी है। चलो देख लो पहले ट्रेन दोस्तों। और हम लोग ने ना अभी विरार स्टेशन से 20 रुपए में 6 नींबू लिया, बोले 10 रुपए बचाए अपने, इधर 20 के 4 हैं। यहाँ पे हम बीचों बीच है स्टेशन के, सब सोचते होंगे पागल लोग क्या कर रहे ले। दोस्तों अभी ये घाई कर रहा था कि ये ट्रेन पकड़ ले, ये ट्रेन फास्ट ट्रेन है पता है, ये कहीं नहीं रुकेगी, ना मलाड ना कांदीवली कहीं पे भी नहीं, पागल सीधा वसई भाईंदर बोरीवली अंधेरी पागल। टिकट निकाला है ना तू, पागल टिकट निकाला है ना। दोस्तों हम घर आ चुके थे और इस पागल को देखो कितनी सारी पेप्सी लेके आया है। ये 5 रुपए की एक हो गई है। अच्छा, और तुम जो उस दिन लाई थी वो 2 रुपए की एक है, 2 की 1 है। तो ये 2 वाली 4 लाए हो और 5 वाली 2, टाइम पास होएगा ना, रात को बोर होता है तुमको एडिटिंग में। तो गाइस रैंडी ऑर्टन ने स्पीड के साथ देखो क्या कर दिया मजा आ गया दोस्तों मैंने चेंज कर लिया, मैंने पहना है अम्मू का ओवरसाइज टी शर्ट, ठीक है, क्योंकि मैं किचन में काम करने वाली हूँ तो अम्मू के कपड़े पहन के हम किचन में काम करेंगे, क्योंकि अम्मू कुछ काम का नहीं है इसलिए। मस्त एसी ऑन किया और लेट गया, बोल रही किचन में चल तो नहीं चल रहा है। और इसको खानी है, पता है क्या बनाने जा रहे हैं, चिकन तंदूरी चिकन लेग पीस चिकन तंदूरी हो गया। जो बोल रहे हो ना मैं एसी में सो रहा हूँ, मैंने एसी क्यों ऑन रखा इतनी देर से, ताकि चिकन में ताकि किचन में तुमको ठंडा हो जाए, चिकन में थोड़ा ठंडा हो जाए। प्लस तुम अभी गाइस को पता चलेगा बनाते टाइम वहाँ पे कौन आएगा, तो गाइस से झूठ मत बोलो। मैं नहीं बोलती कभी भी झूठ। दोस्तों मैं एसी इसलिए चालू किया बिकॉज अंदर ना बहुत हद से ज्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ से थोड़ी सी ठंडी हवा किचन में जाएगी इसके लिए। तो मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी दोस्तों। अम्मू को तंदूरी बहुत पसंद है, हम मतलब उसको इतना पसंद है कि वो आज पागल है तंदूरी की। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि घर में बिना ओवन के, बिना कोयले के, बिना चीजों के कैसे बन सकती है चिकन तंदूरी वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। चलो गाइस मैं भी रेडी हो गया। तो ये लेग पीस हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था, तो इसको ना अच्छे से वॉश करके इसमें मैंने ऐसे चीरा मार के रख दिया है, एकदम डीप चीरा मारना है ताकि मसाले अच्छे से जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अपने को 20 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट करना है, तो वो मैरिनेशन में क्या क्या डालेंगे वो देखिए। तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा जान। मैं बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ। मैं ऐसी रहती हमेशा तो कितनी प्यारी होती है, मुझे कितना भड़कती हो। गाइस भड़कीली वाइफ वाली रील्स वायरल जा रही है, जरा देख लेना जाके। हमको लोग आजकल सीधा मिलते ही यही बोलते हैं और झगड़ालू कपल बोलते हैं जबकि सबसे ज्यादा प्यारे कपल से हम विद झगड़ा टॉपिंग। यस वी एक्सेप्ट दैट। 20 मिनट के लिए मैरिनेशन कर रहे अपन, तो इसमें जाएगा ताकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, मस्त मॉइस्ट हो जाएगा, एकदम मस्त सॉफ्ट हो जाएगा। इस पे गया नमक दोस्तों, एवरेस्ट का जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ओके
गाइस कोई सोच सकता है चिकन तंदूरी घर पे बना रहे हैं, देख लो रेसिपी, बहुत इजी और मस्त। ऐसे अच्छे से लगा लो दोस्तों अंदर अंदर तक मसाले। अब इस पे जाएगा दोस्तों लेमन, इसको 20 मिनट ऐसे मैरिनेशन ये अपने को रखना है, ठीक है। काय रे काय साला है तुझा बाडा, कशाला इती रडतो इती रडतो, मग काय बोलायचं बाडा, कशाला इतकं रडतो। सेम टू सेम मैं आऊं कॉपी पेस्ट। तो हमारा फर्स्ट मैरिनेशन हो गया है, आपको कुछ टिप्पणी देनी है? यस, कुछ टिप्पणी नहीं है। वाओ, ये थोड़ा देखो किया है उसके वजह से थोड़ा चिकन ऐसा फूला फूला लग रहा है, सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, एक नंबर। अब दोस्तों मसाले इसमें क्या क्या जाएंगे वो अच्छे से सुन लो, ठीक है। ये है हल्दी, ये नॉर्मल लाल मिर्च है जो तीखी वाली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये है गरम मसाला, ये है चाट पाउडर चाट मसाला, और ये है काली मिरी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। गाइस ऐसे देखो दही ऐसे करके रख लेना है ताकि दही का पानी पूरा निकल जाए, थोड़ा बहुत होगा तो भी निकाल लेना, प्रेस करके भी निकाल लो। तो हंग कड़ बोलते हैं दोस्तों, ये शायद मिलता भी है, हंग कड़ मतलब फांसी लगाया हुआ ऐसा मिलता भी है शायद। अच्छा, और ये जो मेरे रुमाल में तुमने क्या जो इतना वेस्ट हुआ है वो सब कट क्या चाट के खाने का? हाँ, अब ये जो दही है इसमें ये सारे मसाले अपन जो है मिक्स करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें नींबू डालेंगे, और ना सरसों का तेल अगर है तो 2 चम्मच डालना, मेरे पास बस इतना सा बचा हुआ है तो मैं इतना डाल रही हूँ, और बाकी नॉर्मल तेल डालूंगी। 2 चम्मच डाल देना है, ये आधा चम्मच निकला है, कलर है तो कलर डाल दो, कलर रहेगा तो मस्त कलर आएगा, तंदूरी का कलर तभी तो आएगा। घर में तंदूरी बना रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अब इसको मस्त झटपट मिक्स कर लो। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अपने को डालना है इसमें, अपन ने चिकन में मैरिनेशन करते वक्त लगाया है उसको, बट इसमें भी डालेंगे क्योंकि अपन मसाले के साथ मस्त रोटी खाने वाले हैं। हाँ, अपन रोटी भी खाएंगे ना बाद में, जो मसाला आपको बताने वाले हैं चिकन तंदूरी कैसे बनाना है विद थोड़ा सा ग्रेवी, ताकि रोटी से खा रोटी के साथ खा सको मस्त। गाइस जरूर ट्राई करना, और ये हमारा कलर ऑरेंज रेड था इसलिए तंदूरी का कलर ऑरेंज होगा, ठीक है दोस्तों। एकदम अच्छे से लगाना है ताकि पूरा अंदर तक टेस्ट जाए, फुल अपने को होटल वाली तंदूरी बनानी है घर में गाइस, याद रखना। अब दोस्तों ये अच्छे से लग गया है, इसको अभी 20 मिनट्स तक अपन रखेंगे मैरिनेशन के लिए। तो अब इसे हमें 20-25 मिनट तक मैरिनेशन करना है। हाँ, तुमको हो क्या गया है? अरे वो जिसका रेसिपी देख रहे थे उसकी टोन हो गई है फिक्स। दोस्तों हम कोई शेफ नहीं है, हम रेसिपी देख के अपनी रेसिपी ट्राई करते हैं। हाँ, इसमें तो हमने भी 2-3 चीजें ऐड की है, 3-4 लोगों का रेसिपी देखते हैं, फिर जिसका अच्छा लगता है हम ऐसा मिक्स करके हमने खुद का बनाया है। हाँ, थोड़ा इसकी रेसिपी थोड़ी उसकी रेसिपी, और फिर घर में कैसे बनाते हैं वो लग गया मस्त मैरिनेट हो गया। अब इसको मैरिनेशन के लिए रख दो 20-25 मिनट, वैसे तो जितना ज्यादा रखोगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। हमने ऑनलाइन ये लेग पीस मंगाया इसलिए था कि सुबह ही करके रख दें, लेकिन देन हमारी नींद लग गई, हमारी शोना की नींद लग गई, बदमाश। तो गाइस अब इसे हम मैरिनेट करने के लिए रख रहे हैं, और इसको 20-25 मिनट तक रख देंगे दोस्तों। ये जो एक्स्ट्रा बच्चा है ना, हाँ, ये जो एक्स्ट्रा बच्चा है दोस्तों ये अपने को काम आएगा ग्रेवी बनाने के लिए, वो हम एंड में बताएंगे। हाँ, तो इसको ऐसे ही रहने देना। तो मुझे जस्ट क्लिक हुआ कि अपने को कसूरी मेथी भी डालनी चाहिए ताकि और ज्यादा टेस्ट एनहांस हो, तो ये एक्चुअली मसाले में ही डालना था, बट चलो कोई बात नहीं, मैं भूल गई, ऊपर से भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे थोड़ा ये वाले मसाले में भी डाल दिया, अजवाइन भी डाल देते हैं ताकि पेट के लिए भी अच्छा हो और टेस्ट भी अच्छा आता है अजवाइन का। ये गया दोस्तों अजवाइन, अब थोड़ा सा वापस से मिक्स कर देते हैं, मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। आ गया मैं आ गया, तो ज्यादा नाटक मत करो, चिल्ला के डरा के आई दोस्तों मुझे। दोस्तों ये चटनी बना रही हूँ मैं, ठीक है, अम्मू को चटनी चाहिए इसके लिए, तो इसमें मैंने कोथिंबीर डाला है, और ब्रेड था मेरे पास, एक ब्रेड मैंने डाला है, जिंजर डाला है थोड़ा सा, हरी मिर्च डाली है, और क्या है, और 2 आइस के क्यूब डाले हैं, और इसमें डालूंगी अभी नमक मैं भूल गई, और थोड़ा सा मैंने शक्कर डालने से थोड़ा टेस्ट ना मजेदार बनता है। बहुत टेस्टी बनाया था लास्ट टाइम भी ग्रीन चटनी। हाँ। और भाई तंदूरी के साथ तो चटनी चाहिए ही ना, है कि नहीं भाई? बराबर, इसलिए वैसे तो अम्मू को नहीं चाहिए, वो जरूरी है इसलिए बनाना पड़ रहा है तुमको, जरूरी है इसलिए भी और तुम्हारे लिए भी, ये यहाँ पे वो जरूरी है। पहले अपना चिकन जो है वो मस्त मैरिनेट हो गया होगा,
और तेल भी गरम हो चुका है। तो पता तो दो दोस्तों को क्या करने वाले हैं हम। तेल गरम हो चुका है दोस्तों, तो ऐसा अपन ये जो मैरिनेटेड चिकन जो है उसको शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है, बस पानी छोड़ दिया ना, उसको भी डाल देंगे। कोई होता जिसको हम जिसको अपना हम अपना कह लेते यार। मैं कम पढ़ रही हूँ तुमको। यही है वो, पूरा तो सुनो। देखो वही है ये अपना जो बनाता है तंदूरी। गाइस जेप्टो से हमने 1 किलो कांदा और आईडी का पराठा मंगाया है जो हम बाद में खाएंगे मस्त गरम करके। इसको अभी फ्रीजर में रख देते हैं। बता दूं आपको, जब तक आप अवेलेबल नहीं थे, एक साइड 2 मिनट करना है अपने को शैलो फ्राई, उसके बाद दूसरी साइड भी 2 मिनट करना है। जला तो नहीं तू? ये तो बताया नहीं था तुमने। फर्स्ट टाइम गया था दोस्त दिखाने के लिए। गाइस और ये तो इसने बताया भी नहीं था मेरे को, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। एनीवेज तो दो दो मिनट दोनों साइड दो दो मिनट करना है गरम। बस और नजदीक मत जाओ, लगी तो नहीं तुमको जान। तुम्हारी खुशी देख के ऐसा लग रहा है जब अगर मैं बोलूंगा हाँ लगी तो तुम और हंसोगे। दोनों साइड दो दो मिनट सेकने के बाद में अभी मैं इसको ढक के रख रही हूँ ताकि भाप में अंदर ही मस्त पक जाए, टेंडर हो जाए। चटनी भी रेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बाद हमने ये खोल लिया है, अब इसे निकाल के रखेंगे अपने लेग पीसेस। ये रेलिश के लेग पीस बड़े चोमू आए हैं मगर छोटे छोटे से। तो गाइस अब इस पे होगा अपना तंदूर वाला मामला सेट ताकि उस पे फ्लेवर अच्छा आए, तंदूर वाला फ्लेवर आए इसलिए। तो हल्का हल्का उसे रोस्ट करना है हाई फ्लेम पे। उप्स। कुछ नहीं, उस पे ऑयल गिरा ना। इस पे बटर लगा लो दोस्तों। बटर ब्रश नहीं है हमारे पास, लेना चाहिए था तो हम स्पून से ही लगा रहे हैं। देखो हाथ से जलना जाओ, इससे क्या है ना मस्त स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा तंदूर का। बटर ब्रश होता ना मजा आ गया होता। हाँ, थोड़ा अच्छे से बटर लगता। अभी वो पलटी करोगे तो बटर नीचे चले जाएगा ना। नहीं, उसको अच्छे से मेल्ट हो जाने दो ना बटर को, तो नीचे से वो जल ना जाए। उसको उठाए रहो ना, देखेंगे क्या नीचे से जल रहा है कि नहीं। अरे मस्त हो रहा है, मस्त हो रहा है, नहीं जल रहा है, कुछ नहीं होता ऐसे। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना ये सर। पहली बार दूसरी बार बनाने में वो होगा, बट हम लोगों को जो चिकन फ्राई वगैरह बनाते हैं ना डीप फ्राई करके, उससे इजी लगा ना जा। बेस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट हमने 1 घंटे में बना लिया, और एक बार रेगुलर हो जाएंगे तो और जल्दी बन सकता है। और ज्यादा ऐसे ऑयल वॉयल भी नहीं गया है ना। हाँ, मतलब ज्यादा ऑयल वगैरह भी नहीं गया। अब इसको पलट लेते हैं। ओ, ओ, देखो यही तो चाहिए था, ये अंगार वाला फ्लेवर है ना। वाओ, बटर है, मजेदार है हमारा चिकन, बड़ा मजेदार है। बस सही लग रहा है ना बाबू। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ब्रश ले आएंगे। ये उल्टा अच्छे से, ये घर का ही जुगाड़ है ना भाई, घर में बना रहे हैं। तो दोस्तों देखो ऐसे बना सकते हो आप चिकन तंदूरी घर में। बहुत खुश हो गए हम लोग, बहुत खुश हो गए। क्या बन रहा है गाइस, मस्त स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। और करना है पड़े जरूरत है, काफी अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ गया है। हो गया दोस्तों, अभी ग्रेवी बनाएंगे दोस्तों। धुआं धुआं हो गया है, धुआं धुआं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आते हैं ना धुआं छोड़ने वाले, मच्छर भगाने वाले, वो जैसे आए हैं। अमुने ने विंडो विंडो और डोर वगैरह खोल दिया है। देखो हो गया, काम हो गया तुरंत। हाँ, इसके लिए हमको बंद करना पड़ता है। और मैडम की छिपकली की वजह से भी, मैडम की छिपकली पसंद नहीं है।
मुझे डर लगता है दोस्तों। नहीं दोस्तों इसको डर नहीं लगता, छिपकली जहाँ दिखते है ना ऐसा पकड़ के। मत यार ये सब फालतू बातें। पूरा बचा था मैरिनेट, उसको अपन ने हल्का सा पानी मिला के पूरा मिक्स कर लिया है और अब इसकी बनाएंगे अपन ग्रेवी। तो हल्का सा डाल रही हूँ क्योंकि बटर भी डालेंगे, उसमें ऑलरेडी नमक रहता है बटर, तो स्वाद अनुसार ही डालो। बटर डाल रही हूँ उसमें। इसको ढक के रखेंगे तब तक अपन अपनी तंदूरी सजाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तंदूरी जो है प्लेट में निकाल ली है और ये मसाले को मैंने ढक के रख दिया है, थोड़ा सा ढक के रखेंगे तो पक जाएगा, उसके बाद में इसको निकाल के मस्त इस पे ऐसा लगाएंगे। और मसाला और ऑयल मस्त सेपरेट हो गया और ये बन चुका है, ठीक है। तो अपन ये इसमें डालेंगे थोड़ा सा साइड साइड में हमारे। और तंदूरी ना मस्त ग्रेवी अगर हो ना तो मजा आ जाता है। तो गाइस ये रही अपनी चिकन तंदूरी मस्त ग्रेवी के साथ, ये रही सोना की चटनी और कांदा, लच्छा कांदा, लच्छा कांदा। ओके दोस्तों ये आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, इस पागल इंसान को कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, म्याऊ को कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है यार ये बाबू, सच में बहुत टेस्टी, इतना अच्छा बना है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये घर में बना हुआ है। थैंक गॉड मैंने वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ, नहीं तो लोगों को लगता कि पता नहीं रेस्टोरेंट से मंगा के रेस्टोरेंट का खुद पे चेप रही है। बहुत मस्त लग रहा है, अब एक बार खा के बता दूं। खिलाऊं? साले ज्यादा लाड में आ रहा है, चलो पहले इसको तोड़ के तो दिखाओ। मस्त मस्त सॉफ्ट हो गया जान एकदम, बहुत मस्त हो गया। अगर तंदूरी पे म्याऊ आ गया ना, म्याऊ को गाइस आपको पता है म्याऊ ना चिकन जब ऑनलाइन मंगाते हैं कहीं से भी घर पे भी बनता है वो नहीं खाता, वो सिर्फ तंदूरी चिकन या टिक्का चिकन खाता है। अगर म्याऊ आ गया इसकी खुशबू पे मतलब खाना अच्छा बना है, मतलब तंदूरी है, मतलब तंदूरी ही बनी है। चलो बाबू जान सब फेल है सीरियसली, क्या बना है ये तो हम बेच सकते हैं। दिल से बोला आज तक ऐसी तंदूरी नहीं खाई है होटल में भी। कितनी अच्छी बनी है यार, परफेक्ट ब्लेंड होता है ना वैसा बन गया गाइस, बहुत टेस्टी हो गया है म्याऊ, बहुत टेस्टी बनी है तंदूरी। म्याऊ को भी पिलाऊं थोड़ा, देखो खाता है तो। हाँ इधर रखो, पड़ता है ना, नहीं खा लेने दो उसको। म्याऊ ने खाई मतलब अप्रूव्ड, म्याऊ ने तंदूरी खा लिया इसका मतलब तंदूरी अच्छी बनी है। देते हम भी खाएंगे, रुक अभी बैठ के पहले गाइस को बाय करें ताकि वो भी तंदूरी बना के घर पे ट्राई कर सके। दोस्तों ये तो सच में बना के खाना है, बहुत मस्त बन गई, ऐसा हम लोग को डाउट था कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, बट फाइनल प्रोडक्ट बेस्ट होगा। मैं भी हाथ चूम लू अपनी सोना के, जिस दिन बहुत अच्छा खाना बना देना उसी दिन हाथ चूमूंगा आपसे, ठीक है। आज फर्स्ट था ऐसा, तुमने इससे पहले बनाया बट ये अपन आज से ट्रेंड स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो मेहनत करता है उसे रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। हाँ। और अपने वाइफ्स को आप और क्या रिवॉर्ड दोगे हाथ चूमने से, सोना चांदी तो वो हमारा जो है वो सब कुछ आप ही का है ना, ठीक है चलेगा। मजाक कर रहे हो दोस्तों, चलो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वाइफ बनो ही मत जो किसी पे डिपेंड रहे, ठीक है चलो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो सब चिकन तंदूरी बना के और मस्त मजे कर सके, मालाबार पराठा खा सके इस चिकन ग्रेवी के साथ। तो चिकन के साथ कॉमेंट में हार्ट दे देना अगर कुछ लिख नहीं पाओ तो, वैसे भी इस तंदूरी देख के तो लिख ही दोगे यार, डिलीशियस गाइस। आर्ट आर्टिस्ट आर्टिस्ट बस्टर, आर्टिस्ट बस्टर साइड आर्टिस्ट, मेरी सोना के लिए मैं साइड आर्टिस्ट बनने को भी रेडी हूं। नहीं यार बट मैं तो हीरो हूं, तो मेरा हीरो है। चलो गाइस बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं साइड आर्टिस्ट हूं ना, तू ही बाय बोल ले। अरे बोलना जान, अरे तू मेरा हीरो है यार, नाटक मत कर। दोस्तों बाय, इसकी तरफ से भी बाय बोल, बाय बोल नहीं तो तेरे को पैसा नहीं दूंगी, बाय बोल। बाय गाइस, पैसे का नाश्ता है बिल्ला।